कुछ ही समय बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। ऐसे में कई बीमारियां भी जन्म लेती है, खासकर स्क्रब टाइफस से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज मित्तल ने कहा कि बरसात के मौसम में घास में जाते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखना चाहिए और बुखार होने पर नजदीकी अस्पताल में जांच करवाई जाए। स्क्रब टाइफस जो है वो आमतौर पे जैसे अभी बरसात आने वाली है तो इस मौसम में वो ज़्यादा होता है और ये एक रिकेट्सिया की वजह से होता है जो कि इन्फेक्टेड माइट्स में होता है, पिसू में। अब जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ पिसू में होता है तो वो चूहों पे होते हैं और चूहे जैसे हमारे आसपास खरपतवार या झाड़ियाँ होती हैं तो उसमें ज़्यादातर रहते हैं। और यदि हम लोग बाहर जाते हैं, खास करके हम शरीर को पूरी तरह से ढकते नहीं हैं, तो उस माइट के काटने से, पिस्सू के काटने से जो संक्रमित होता है तो इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो जाती है और इससे बहुत तेज बुखार आता है, कंपकंपी होती है और शरीर में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं और इसमें पेट दर्द या उल्टियाँ वगैरह भी होती हैं, तो हाई ग्रेड फीवर होता है, तो ये इसके लक्षण होते हैं। और जहाँ तक इसकी बचाव की बात है तो सबसे पहले तो यही है कि अपने शरीर को आप जब भी कहीं बाहर जाएं, खास करके जहाँ पे झाड़ियाँ या खरपतवार हैं, तो अपने शरीर को पूर्णतया ढक के जाएं, मतलब आप पूरी फुल स्लीव्स की शर्ट या स्वेटर जो भी आपने डालना है उसको डालकर ही जाएं। दूसरा, आप कीटनाशक दवाइयों का अपने आसपास उपयोग करें ताकि ये जो संक्रमित पिसू हैं ये ख़त्म हो जाए। और तीसरा, यदि आपको फिर भी इस मौसम में खास करके ऐसा लगता है कि तेज़ बुखार आ रहा है तो आप नज़दीकी चिकित्सालय में दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।